गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। हमने जाना कि पर्यटन जो है बिहार ने कई कोशिशें की, उसके लिए उन्होंने 2001 में भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग ने पर्यटन के बारे में, पर्यावरण पर्यटन के बारे में सोचा और उन्होंने उसके लिए 26 जियो पार्क को जो है चिन्हित किए। फिर 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है, जिसमें दुनिया के जो है 83% जो विकासशील देश है वो उससे धन अर्जित करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो है जम्मू कश्मीर के जो है उसके बारे में जाना कि वहाँ का जो पटनी टॉप है स्थल, वो पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, विख्यात है। वहाँ पर स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग होती है और वहाँ पे सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है जो नाम मात्र खर्चे पे होती है। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 80 पर नागालैंड पर्यटन, जो प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। डेस्टिनेशन आकर्षण होटल फोटो और नशा। खूबसूरत वादियों के बीच भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। यहाँ भूमि है, यह भूमि है विनम्र लोगों की, मतलब वहाँ के जो लोग हैं कैसे हैं वो विनम्र है और किसानों की, वहाँ पे जो उनका जो व्यवसाय क्या है खेती करना। प्राकृतिक सौंदर्य की वहाँ पर जो है प्राकृतिक रूप से वहाँ पे बहुत ज्यादा ही सुंदर है, प्राकृतिक रूप से वह राज्य कैसा है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति की, वहाँ का जो इतिहास है वो बहुत रोचक है और वो उसकी जो संस्कृति है अनोखी है। यहाँ का वन्य जीवन तथा समृद्ध वनस्पति और मनमोहक प्रकृति आपको मोहित करने के लिए पर्याप्त है। मोहित करना मतलब मन को लुभाना। यह सब और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं यहाँ पर जो है, इसके अलावा और भी कई ऐसे रहस्य हैं। रहस्य मतलब राज। इन छोटे से देश में जो नागालैंड कहलाता है वो अगर आपको सुंदरता से प्यार है तो यह रहस्यमय भूमि आपको चकित करने में पूरी तरह से सक्षम है। चकित मतलब आश्चर्य में डालना। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड। सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नागालैंड पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो नागालैंड की यात्रा आपको वास्तव में माँ को, जो माँ प्रकृति है उसकी गोद में ले जाएगी। यानी वो हरियाली के रूप में वहाँ पे बहुत सारे घने वन है, जंगल है जो आपको आकर्षित करेंगे। माँ प्रकृति और जीवन नागालैंड। अगर आप नागालैंड की यात्रा कर रहे होने की सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि यहाँ नागाओं की भूमि, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, नागा। यहाँ की हरियाली, खूबसूरत वादियाँ, मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त आपकी यात्रा को यादगार बनाता है। मतलब इसकी विशेषता क्या है, यहाँ का जो सूर्य का उगना जो और सूर्य का अस्त होना, ये भी वहाँ के पर्यटन की विशेषता है। अगर आप प्रकृति में रुचि रखते हैं तो नागालैंड से अच्छी जगह और क्या होगी। मतलब आपको अगर प्रकृति के बारे में जानना है, उसको देखना है तो आप वहाँ पर जाइए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट जगह है घूमने के लिए, प्रकृति को पास से देखने के लिए। नागालैंड का भूगोल एवं जलवायु, वहाँ का जो ज्योग्राफी है और उसकी जो जलवायु है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ का जो अधिकांश एरिया है कैसा है, पहाड़ी है। यह पश्चिम में असम में, दक्षिण में मणिपुर और उत्तर में अरुणाचल से घिरा हुआ क्षेत्र है।
जनजातियां निवास करती हैं। 16 प्रमुख 16 जनजातियां वहां पर क्या है रहती हैं। और इस हर राज्य के जो जलवायु के बारे में क्या कहा जाए, यहाँ मनमोहक भूमि यह दावा करता है कि यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि साल के किसी भी समय या मौसम में आप नागालैंड की यात्रा कर सकते हैं, मतलब हर मौसम में वो आपके लिए सुटेबल है। ऐसा भोजन, लोग और संस्कृति, नागालैंड की जो है वहाँ के भोजन और वहाँ के लोग और वहाँ का जो कल्चर, नागालैंड के लोग अधिकतर मछली और मांस खाते हैं। यह विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग तरीके से पकाया और खाया जाता है। नागाओं के लोकप्रिय व्यंजनों में उबली सब्जियां, मांस से बने व्यंजन और चावल शामिल हैं। बात यह है कि स्थानीय लोगों का आतिथ्य सत्कार नागालैंड की यात्रा में 4 चांद लगा देता है, मतलब उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। 4 चांद लगा देना मुहावरा है यहाँ पर, यानी वहां के जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आतिथ्य सत्कार मतलब लोगों को मेहमानी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यानी उनका स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। इनकी संस्कृति एवं अंत ही चर्चा का विषय है, जो इनकी जो संस्कृति है, इनका जो कल्चर है, जिसका उसका अगर हम चर्चा करने लग जाए तो उसका कोई अंत नहीं है। नृत्य और लयबद्ध गीत इनकी दैनिक गतिविधि का हिस्सा है। वहां में जो नृत्य है यानी डांस और जो लयबद्ध गीत है, लयबद्ध मतलब जो लय में बधा हुआ, उनकी जो दैनिक गतिविधि का हिस्सा मतलब डेली का जो उनका एक्टिविटीज है उसमें शामिल है, यानी डांस और सॉन्ग जो है उनके दैनिक डेली के एक्टिविटीज में शामिल है। यह कहा जा सकता है नगाओ के लिए जीवन एक उत्सव से कम नहीं है, यानी हर तरह से वो हर चीज में वो अपना उत्सव मनाते हैं, वो फेस्टिवल्स मनाते हैं हर चीज में। नागालैंड में पर्यटक स्थल, नागालैंड में जो पर्यटक स्थल है वो कौन कौन से, कोहिमा, दीमापुर, गोंड, दोखा, पेरेन इत्यादि जो लोकप्रिय और आकर्षक स्थान है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश धर्म परायणता और तीर्थ स्थानों का स्थल है। इसमें अवलोकन, डेस्टिनेशन, आकर्षण, होटल, फोटो और दर्शन। अगर आपको यहाँ हमेशा घूमना नहीं है, शौक नहीं है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मनोरम है उत्तर प्रदेश। इसी वजह से इस अद्भुत जगह को देखने के लिए लोग विदेशों से काफी लोग आते हैं। ताज की धरती यानी उत्तर प्रदेश में ही ताज है, ताजमहल। कथक नृत्य का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश में ही कथक नृत्य जो है उत्पन्न हुआ है, मतलब वहां के जो फेमस है बिरजू महाराज, वो कथक नृत्य के जो है वो है। बनारस की पावन हिंदू धरती, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, वह जगह जहाँ बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। काशी विश्वनाथ जो भगवान शिव का जो है सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है, वहां पर लोग यानी उसको पावन नगरी बोलते हैं, पवित्र नगरी, पवित्र नगरी जहाँ पर गंगा बहती है, लोग वहां पे अपना उद्धार करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल उत्तर दिशा में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश दक्षिण दिशा में पड़ता है, बिहार पूर्व में, हरियाणा पश्चिम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मशहूर तीर्थ स्थान भारत में भक्ति पर्यटन के लिए अगर उत्तर प्रदेश को शुमार ना किया जाए तो कुछ अधूरा रहेगा, यानी वहां पर जो है भक्ति स्थल ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भक्ति स्थल ज्यादा है। आगरा, मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है, वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में वो भी श्री कृष्ण की नगरी है, तो इस तरह से वहां पर धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन श्रद्धालुओं को इसलिए भी अपनी ओर आकर्षित हुई क्योंकि यहाँ काफी मशहूर तीर्थ स्थल है। बनारस एक ऐसी जगह है जिसको हिंदुओं द्वारा मुक्ति या मोक्ष स्थल भी कहते हैं, और यह देश विदेश में पर्यटकों के लिए मशहूर है यानी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश एक बेहद पवित्र जगह है और वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण जगह भी है।
वैष्णव वैष्णव धर्म के लोग हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण और राम की जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे और भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या में। तो वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। श्री कृष्ण से जुड़े अन्य स्थल जैसे वृंदावन और गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने अपनी काली उंगली में उठाया था, ये कंस उंगली में, तो वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ लोग पूरे साल उत्सव उल्लास के लिए आ सकते हैं। राम की बेटी लव और उसका जन्म स्थान बिछुड़ भी यहाँ है। महान संत कबीर, तुलसीदास और सूरदास भी इसी धरती पर हुए हैं, जिनका धन प्रारंभता से ओतप्रोत गीतों के प्रति लगाव मशहूर है। मतलब जितने भी संत, महान संत हैं जैसे कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, ये सभी कहाँ? उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं और उनके जो गीत हैं वो धार्मिक हैं और भक्ति से ओतप्रोत हैं, जो पूरे उसमें मशहूर है। इलाहाबाद सबसे पुराने स्थलों में शहरों में गिना जाता है और यहीं पर तीन महत्वपूर्ण और पावन नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्रयागराज जहाँ पे जो है त्रिवेणी संगम, यहाँ जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, तो वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद में ही मशहूर जो मेला लगता है कुंभ का मेला, वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जो देश और विदेश से भक्तों, यात्रियों और तस्वीर प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब उसके लिए जो है देश से तो देश से और विदेश से भी काफी लोग जो भक्त हैं वो आते हैं वहां पर स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। यह बौद्ध धर्म के लिए लोगों, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारनाथ जो जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी में अशोक स्तंभ है और यहाँ पर बुद्ध ने कई धर्म के उपदेश दिए थे। श्रावस्ती वो भी बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, तो श्रावस्ती में भी महात्मा बुद्ध ने कई साल गुजारे और कुशीनगर में उन्होंने अपना नश्वर धुंधर गिराया। प्रभास गिरी हिंदू और जैन दोनों धर्म के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जगहों का पौराणिक कथाओं में भी काफी उल्लेख है और यह रामायण और महाभारत जैसे भारत के महाकाव्य के विकास के लिए क्या है? जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश का वन्य जीवन, रायबरेली का समस्तपुर बर्ड सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसी कुछ जगह हैं जो पशु प्रेमियों को बरबस, बरबस यानी अनायास न जाते हुए भी सहज रूप से तो उनको आकर्षित कर लेती है। बरबस यानी सहज रूप से या अनायास ही आकर्षित कर लेती है। यह उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन को संपूर्ण बनाता है, यहाँ पे जो वर्ल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब आकर्षण के केंद्र है। ऐतिहासिक रूप से भी उत्तर प्रदेश जो है काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश अपने सुंदर और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्मारकों की बदौलत देश और विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। आगरा का ताजमहल, झांसी, लखनऊ, मेरठ, अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सिकरी, प्रतापगढ़, बारामबागी, जौनपुर, महोबा और एक छोटा खेती प्रधान गांव देवगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इतिहास और संस्कृति के बारे में काफी कुछ बयां कर जाते हैं, मतलब बता जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जगह है जैसे अलीगढ़, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से एक महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ है, मतलब वहाँ कॉलेज है। बनारस, लखनऊ, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर,
नोएडा उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए मशहूर शहर है, मतलब ये सब जो है फेमस शहर है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, खाना और पंथ जो भारत की महत्वपूर्ण नृत्य कलाओं में से एक कथक की शुरुआत यहीं से हुई थी। भारत के दूसरे क्षेत्रों की तरह उत्तर प्रदेश की भी अपनी संस्कृति है। यहाँ गीत और नाच का प्रचलन ज्यादा है, यहाँ पे मतलब गीत और नाच सबसे ज्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश कई उल्लेखनीय हस्तशिल्प जैसे हाथों से छपाई, कालीन बनाना सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर कालीन बनाना, जो हम कालीन अपने ड्राइंग रूम में बिछाते हैं वो ज्यादातर यही क्या है। धातु में तांग चीनी चढ़ाना, ब्रोकेट का काम, ब्रास और एम्ब्रॉयडरी के काम यहाँ पर मशहूर है। कशीदाकारी का अनूठा नमूना, लखनऊी चिकन, चिकनकारी मतलब कपड़ों में जो चिकनकारी की जाती है वो भी फेमस है। इसकी प्रशंसा तो देश प्रदेश विदेशों में भी बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में हिंदू और मुगल संस्कृति का सम्मिश्रण, मतलब यहाँ पर जो हिंदू और मुगल संस्कृति मिली हुई है दोनों ही पाई जाती है। जो प्रदेश के कई स्मारकों और व्यंजनों में साक्ष्य लगता है, मतलब भोजन में भी जो भोजन है खान पान है उसमें भी दोनों की संस्कृति मिलती है, हिंदू और मुस्लिम। और स्मारक जो इमारतें बनाई गई हैं उनमें भी जो है दोनों का मिश्रण मिलता है। अवधि खाना, कबाब, दम बिरयानी और कई मांसाहारी व्यंजन ऐसे हैं जो पर्यटकों के मुंह में पानी ला सकते हैं। स्वादिष्ट नमकीन जैसे चाट, समोसा, पकौड़ा आदि ने देश भर में लोगों के दिनों में अपनी जगह बना ली है और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश से हुई है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक जो उत्सुक यात्री है उसको यहाँ पर रोक सकते हैं, खोजने से इसको ढूंढने से रोक सकते हैं। इसलिए आपको देने के लिए यहाँ पर काफी कुछ है जो आप प्रतिबिंबित होता है, यानी जो उसकी प्रतिबिंब मतलब परछाई जो उसकी दिखती है। अब भारत के 10 प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं? पहला कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए फेमस है जो दुनिया भर में, उसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिन झील, परी महल और पहलगाम है। फिर गोवा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो समुद्र तटों के बीच जाना जाता है। यहाँ का सी फूड, जल में खेले जाने वाले खेल एक आनंद के स्थान के रूप में पहचान देते हैं। यहाँ स्थित अनोना का किला, गोवा म्यूजियम, चपोरा का किला पर्यटन के आकर्षण है। फिर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। यहाँ से दिखने वाला सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है, देखने में बहुत ही सुंदर होता है। फिर अगला है जयपुर और उदयपुर। राजस्थान में स्थित जयपुर और उदयपुर अपनी कलात्मक और वास्तु सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर स्थान में से एक है। जयपुर में हवा महल भी है, हवा महल जो वास्तु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ उदाहरण। फिर केरल, केरल सबसे अधिक संपन्न और शिक्षित राज्य में से एक है और इसकी सुंदरता भी बहुत अच्छी है जो मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ फैली हुई हरी भरी सुंदरता, नदियों में बोटिंग का अपना ही आनंद है। फिर दिल्ली, दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ देश की राजधानी है। यहाँ पर स्थित इंडिया के राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार देखने के लिए जो पर्यटक वर्ष भर आते हैं, साल भर आते रहते हैं, मतलब कुतुब मीनार में जो एक लौह स्तंभ है वो फेमस है। वहाँ पे उस लौह स्तंभ ऐसा है कि वहाँ की जो धातु उसमें कभी जंग नहीं लगा, आज तक कभी जंग नहीं लगा हुआ है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है जो समुद्र से 2134 मीटर ऊपर स्थित है। यहाँ पर स्थित चाय के बगान दुनिया भर में फेमस है, जाने जाते हैं। मैसूर, मैसूर कर्नाटक की
राजधानी है जो अपने महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व प्रसिद्ध है। आपको पता होगा मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उनका वो भी बहुत अच्छे शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली उन्हें टाइगर, मैसूर का जो टाइगर कहा जाता है। इस महल को अंबा विला के नाम भी जाना जाता है। इस महल को देखने के लोग 2.7 लाख पर्यटक आते हैं हर साल। अजंता एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां बौद्ध स्मारक धार्मिक कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर पर्यटकों को जो है आश्चर्यचकित कर देते हैं। 11 में आपके चैप्टर पर आपका अजंता, उसमें जो है बताया गया है कि उसमें जो है महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, वहाँ जो पशु पक्षियों के बारे में बात करते हैं। अजंता जो है विश्व प्रसिद्ध गुफा है। बेंगलुरु भारत और अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ गोवा जैसे राज्य है, इसमें समुद्र तट दर्शनीय है। केरल कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्याकुमारी आध्यात्मिक आकर्षण है। पुरी कोणार्क द्वारिका सोमनाथ गिर, द्वारिका सोमनाथ और गिर ये कहाँ पर गुजरात में है। कुटी कोडाइक के नाम मैसूर बेंगलुरु ये दक्षिण भारत के राज्य वो जो है दर्शनीय स्थल है। पुरी और कोणार्क ये उड़ीसा राज्य में है जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान भारत के ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण राज्य है जो और ताजमहल आगरा में है। पूरे भारत में फैली विविधता और सौंदर्य आकर्षण बरबस ही दुनिया भर के लोगों को जो है अपनी ओर खींच लेता है, मतलब जो है पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत के जो ये विविध पर्यटन स्थल है वो क्या करते हैं, वो भारत बाहरी जो विदेशी लोग हैं उनको साथ में देश के लोग तो देखने के लिए आते ही है, साथ में बाहर से भी लोग आते हैं, जिससे क्या होता है आय का साधन बढ़ता है और रोजगार का भी साधन बढ़ता है। हमने चैप्टर पढ़ा टूरिस्ट गाइड, भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नमस्कार।